हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 32 के और वाले पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इस प्रीवियस वीडियो साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन अभी तक नहीं देखा तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अगर अभी तक टेलीग्राम पे भी ज्वाइन नहीं किया उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? टू वाटर टैप्स टूगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9:3/8 hours, ठीक है। द टैप्स ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन टू द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली, ठीक है। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। ये है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये हमारा सिंपल फॉर्म में। कैसे बनेगा? आराम से इसका सॉल्यूशन आप देखोगे, ठीक है। आराम से आप सॉल्यूशन जो है इसका देखोगे, ठीक है। हमसे क्या पूछा है? टाइम टेकन बाय द ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, तो हर एक टैप सेपरेटली कितने टाइम में फिल करेगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। आ जाओ, इसको हम लोग सबसे पहले वहीं से लेट कर लेंगे जो हमसे पूछा गया है कि लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप, है ना। यानी कि स्मॉलर पाइप के थ्रू कितना टाइम लिया जाएगा, तो ये सपोज कर लिया हमने कि ये टाइम लिया जाएगा एक आवर्स। कितना लिया जाएगा? सपोज करते हैं हम लोग एक आर ये लिया जाएगा, ठीक है। उसके बेसिस पे एक स्मॉलर डायमीटर का था और एक क्या था, लार्जर डायमीटर, तो उसी को हमने स्मॉलर पाइप लिखा है और दूसरे वाले को लिख लेते हैं द टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप या लार्जर डायमीटर पाइप, है ना, दोनों चलेगा। लार्जर पाइप ये कितना होगा सर? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो लार्जर डायमीटर का पाइप है टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन। यानी कि अगर ये एक घंटा लेता है तो लार्जर डायमीटर पाइप कितना लेता है, एक माइनस 10 hours, कितना लेता है, ये लेता है एक माइनस 10 hours, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले ना, तो सिंपल फॉर्म में आपको निकालना है 1 hour वर्क। क्या निकालना है? 1 hour वर्क, यानी कि एक घंटे में उसने कितना काम किया इसके बारे में, ठीक है। तो यहां पर लेट अस सपोज कोई स्मॉलर डायमीटर का पाइप है जो एक घंटे में भरता है, तो एक आर वर निकालो कि एक घंटे में कितना काम करेगा, कितना वो फिल करेगा उसके बारे में। तो ये करेगा कितना, दैट इज 1/x, है ना। यानी कि जो हमें सिंपल फॉर्म में कि 1 hour वर्क कितना मिलेगा, 1/x हमें देखने को मिलेगा। मतलब क्या हुआ सर, इसका थोड़ा कॉमन एग्जांपल के थ्रू बता दो, ठीक है। जैसे आपको मतलब सिंपल फॉर्म में एक मतलब समर वेकेशन हुआ, समर वेकेशन लेट ऑफ 25 days का हुआ, कितना हुआ 25 days का हुआ। तो 25 days में कुछ आपको होमवर्क मिला, तो अगर आपसे कोई पूछा कि एक दिन में आपने कितना होमवर्क कंप्लीट किया, तो आप बोलोगे 1/25th part, है ना। यानी कि 1/25 part आपने कंप्लीट किया, है ना। वो अलग बात है कि आप सारा एक दिन पहले करते हो रात में, वो अलग बात है, ठीक है। बट एक दिन में आपने कितना, 1/125th part क्यों किया, रेसिप्रोकल कर दिया सिंपल फॉर्म में। तो अगर कोई हमारा पाइप है जो एक घंटे में एक को फिल कर देता है ना, यानी कि एक टैंक को फिल कर देता है, तो एक घंटे में कितना करेगा, 1/x, है ना, पूरे काम का कितना, दैट इज 1/1th part, मतलब क्या बोलते, पूरे काम का हम लोग क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि एक घंटे में उसने कितना काम किया। उसी टाइप से जो लार्जर डायमीटर पाइप है वो कितना टाइम लेता है, इतना। तो इसका भी निकाल दो कि 1 hour वर्क कितना होगा, तो इतना इसका 1 hour वर्क होता है 1/, इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/x-10 hour, इतना सॉरी इतना आता है वर्क, है ना ये, तो 1/x-10 इतना वर्क वो करेगा, कितना, दैट इज एक घंटे का वर्क ये आपको देखने को मिला, ठीक है। स्मॉलर डायमीटर पाइप 1/x और लार्जर डायमीटर पाइप कितना, 1/x-10, है ना, इतना सिंपल फॉर्म में वो करता है, ठीक है। अब आ जाओ ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। क्या दिया, टू वाटर टैंक्स टूगेदर कैन फिल अ टैंक इन इतना आर, ठीक है। यानी कि दोनों पाइप मिलकर, ये दोनों पाइप एक एक घंटे का वर्क निकाल रहे हो, ठीक है। तो क्या हो रहे हो, 1/x+1/x-10, है ना, एक एक घंटे का है और कंप्लीटली फिल कर देता है इतना। इसको नॉर्मल मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में जो है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लाते हैं उसको, कितना हो जाएगा, 72 + 3 = 8, इतने घंटे में कंप्लीट कर लेता है ना। तो एक घंटे का वर्क इसका भी निकाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई
75 बाई 8, इसका भी हमने रेसिप्रोकल कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका रेसिप्रोकल किया था, इसका एक घंटे का वर्क निकाला है, तो इसका भी एक घंटे का वर्क निकालेंगे हम लोग। ठीक है, चलो ये आ गया, ये सिंपल फॉर्म में ये नंबर कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 8 बाई 75। बोलो क्या हो जाएगा? 8 बाई 75। ठीक है, नीचे एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स इंटू एक्स माइनस 10। ठीक है, तो ऊपर में क्या आ जाएगा? एक्स माइनस 10, एक्स माइनस 10, और प्लस में क्या आ जाएगा? डेट इज एक्स। प्लस में क्या आ जाएगा? डेट इज एक्स, है ना। एक्स प्लस एक्स कितना हो गया? डेट इज 2x। तो 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8 बाई 75। 8 बाई कितना हो जाएगा? 75। ठीक है, चलो अच्छी बात है। हाँ चलो ठीक है, थोड़ा सर्दी हो गया लगता मेरे को। अब क्या कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। आ जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, है ना। 8 इंटू एक्स स्क्वायर, 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर और माइनस 10 एट जा 80x, है ना, 80x इज इक्वल टू 150x और माइनस कितना? 750। माइनस में कितना आ जाएगा? डेट इज 750। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बहुत अच्छी बात है। फिर यहां से कितना आ गया? 8x स्क्वायर, और ये प्लस में इधर आया तो माइनस में फिर से माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? माइनस 230x, और ये माइनस में इधर आया तो प्लस में, यानी कि प्लस 750 इज इक्वल्स टू जीरो, इज इक्वल्स टू कितना आ गया? जीरो आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, बहुत अच्छी बात है। अब सिंपल फॉर्म में x का वैल्यू निकाल दो, इस बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि लार्जर डायमीटर पाइप कितना आया और स्मॉलर डायमीटर पाइप का कितना टाइम एक्चुअल में ये लगा रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है? x का वैल्यू सिंपल फॉर्म में आपको निकालना है। ठीक है, क्या कोई नंबर है जो सारे नंबर को डिवाइड कर दे, है ना? 4 के टेबल में ये कैंसिल होगा क्या? 30 नहीं होगा। 2 के टेबल में, 2 के टेबल 2 से सबको डिवाइड कर दे रहा हूं मैं, तो कितना हो जाएगा? डेट इज 4x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा कितना? 115x और प्लस, प्लस कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर दोगे तो 375 इज इक्वल्स टू जीरो, है ना, इज इक्वल्स टू जीरो। अब सिंपल फॉर्म में 2 से डिवाइड कर दिया है सबको मैंने, है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे तो 12 और 3 15, यानी कि 1500, है ना, और 115 जा, है ना, इसको आप लिख सकते हो क्या? 100 इंटू 15 लिख सकते हो ना, तो ये मिल जाएगा आपको। हो गया काम, हो गया हमारा खत्म काम, फिनिश। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस माइनस इसको क्या लिख सकते हो? डेट इज 100x और माइनस कितना? 15x और प्लस कितना? 375 इज इक्वल टू कितना? जीरो, इज इक्वल टू कितना? जीरो। 4x कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा? x माइनस 25, इधर माइनस 15 कॉमन ले लोगे तो ये कितना आ जाएगा? डेट इज कितना हो जाएगा? x माइनस 25 इज इक्वल्स टू जीरो, इज इक्वल्स टू कितना हो गया? जीरो के इक्वल हमें देखने को यहां पर मिल रहा है। ठीक है, तो इस बेसिस पे आ गया x माइनस 25 एक, और एक आपके पास आ जाएगा क्या? 4x माइनस 15 इज इक्वल्स टू जीरो, इज इक्वल्स टू जीरो। तो इस बेसिस पे इसको जीरो के इक्वेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 25, और इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 15/4, कितना आ जाएगा? दैट इज 15/4 हमें देखने को मिलेगा। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा? लगभग आ जाएगा ये 3.75, ये है ना, 3.75, है ना, इसको कैंसिल कर दोगे तो ये तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा हमारा। क्यों आंसर नहीं होगा सर? अगर आप इसको आंसर लेट करते हो, अगर आप इसको लेते हो कि ये एक्स आर है हमारा, है ना, यानी कि स्मॉलर पाइप इतने घंटे में इसको फिल करता है, तो उस बेसिस पे जो लार्जर डायमीटर पाइप है वो 10 घंटा पहले ही कर देता तो माइनस में चला जाएगा भाई। टाइम माइनस में होता है क्या? यानी स्टार्ट करने से पहले ही भरा हुआ है, तो ये कोई बात नहीं हुआ ना। तो इस बेसिस पे ये वाला आंसर नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा हमारे पास? हमारे पास आंसर होगा ये वाला, x इक्वल्स टू कितना? 25। ठीक है, यानी कि यहां पर लिख दोगे हिंस में कि स्मॉलर पाइप जिसको एक्स आर माना था वो कितना लेगा? वो लेगा हमारे पास 25 आर, कितना लेगा? 25 आर्स। और उसी टाइप से जो लार्जर पाइप होगा वो कितना लिया था? x माइनस 10, यानी कि
25 माइनस 10 यानी कि 15 आवर्स, कितना लेगा, दैट इज 15 आवर्स। और ये हमें सिंपल फॉर्म में इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। देन आई होप कि ये पार्ट भी आपको एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 33 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अभी तक हमें चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लोगे।